बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आयशाज एम किचन। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन चंगेजी। बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा रिच, थोड़ा क्रीमी और थोड़ा सा चटपटा है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन चंगेजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ किलो चिकन लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके कट्स लगा लिया है ताकि ये अंदर से मैरिनेट हो और कुक हो सके। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और पिंच ऑफ ऑरेंज और रेड फूड कलर 1 टीस्पून, हाफ लेमन जूस। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और नेक्स्ट अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे 2 टेबलस्पून। और नेक्स्ट अब हम इसमें ऑनियंस डाल देंगे रफली चॉप करके। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम्स ऑनियन को रफली चॉप कर लिया था और इस तरीके से डालकर हल्के से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये लाइट पिंकिश ना हो जाए। तो यहाँ पर लाइट कलर हो चुकी है, ऑनियन फ्राई हो चुकी है। और नेक्स्ट अब हम इसमें टोमेटोस और 5 से 6 ग्रीन चिलीज डाल देंगे। इसको भी मैंने टोमेटोस को रफली चॉप कर लिया था और हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये टोमेटोस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 7 से 8 कैशू नट्स डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और नेक्स्ट अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि टोमेटोज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सभी चीज़ें हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करके पका लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ठंडा होने के लिए। और फिर उसके बाद उसको ग्राइंड जार में डालकर पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम उसी कढ़ाई में नेक्स्ट अब 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। सारा चिकन इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये जल सकता है, तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे हल्के से। इसके साइड्स पलट देंगे। और नेक्स्ट अब हम फिर दोबारा से अब हम इसकी साइड्स पलट देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। तो अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारा चिकन। तो सारा चिकन अब हम इसमें निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पर टमाटो और ऑनियन को ग्राइंड करके इस तरीके से प्यूरी बना लिया है ठंडा होने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। बटर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 2 टीस्पून और सौते कर लेंगे हल्के से।
रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों को फ्राई कर लेंगे। सॉल्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। मसाले यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो टोमेटो प्यूरी हमने पेस्ट करके रखी थी वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और नेक्स्ट अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। सभी मसालों के साथ हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे और जब तक अब हम इसको पकाएंगे तब तक ऑयल सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर सेपरेट हो चुका है और अब हम इसमें योगर्ट डाल देंगे यानी दही 100 ग्राम्स और इसको डालकर मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो रखा है। लो फ्लेम पे रखकर आप इसको जब भी दही का इस्तेमाल करें तो आप लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी जो हमने फ्राई करके रखा था, वो सारा इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को और इसको भी पका लेंगे मिक्स करते हुए इस तरह से। चिकन और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे 100 ग्राम्स। आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो ही रखा है और लो फ्लेम पे अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारे चीज़ों को मिलाते हुए। और अब हम इसको लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे कवर करके। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड हटाकर चेक कर लेते हैं तो ये देखिए ग्रेवी और चिकन अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर स्लाइस करके 3 से 4 ग्रीन चिलीज और 2 टेबलस्पून धनिया पत्ता चॉप करके डाल दिया है और मिक्स कर लेंगे इसको भी लो फ्लेम पर। और नेक्स्ट अब हम इस ग्रेवी को एक स्मोकी फ्लेवर देते हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने गरम कोयला जला हुआ रख दिया है बीच में एक फॉइल की मदद से और अब हम इसके ऊपर बटर डाल देंगे। आप बटर या फिर घी या फिर तेल कुछ भी आप डाल सकते हैं और कवर कर देंगे। लिड कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद हमने इसको ढक्कन हटा लिया है। अब ग्रेवी को डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। और आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।